आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। खैर आज सही पार्टी में आ गए चौधरी साहब, दे रहा है दुरुस्त आए। चौधरी साहब दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। हम लोगों ने जो दूसरी पार्टियां हैं मुल्क के अंदर उसकी तरह नहीं बनाई है, हम केवल जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, देश के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। पिछले 10 साल से आप लोग देख रहे हैं, अभी चौधरी साहब ने कहा कि 10 साल से वो चुनाव हार रहे हैं। चौधरी साहब आपको हमारी पार्टी में 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। खैर आज सही पार्टी में आ गए चौधरी साहब, दे रहा है दुरुस्त आए। चौधरी साहब दिल्ली की राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है। जिन कामों की वजह से आम आदमी पार्टी जानी जाती है कि हम जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में 24 घंटे रहते हैं, जनता के सुख दुख में काम आते हैं, उसी वजह से चौधरी साहब का भी अपने इलाके में नाम है। चौधरी साहब और उनके बेटे और उनका पूरा परिवार भी इस पूरे इलाके के अंदर और इस पूरे क्षेत्र के अंदर 24 घंटे जनता में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता के सुख दुख में काम आते हैं। तो एक तरह से ये जो शादी है ये दोनों का मिलन है और इस शादी में तलाक अलाउड नहीं है। चौधरी साहब का और उनके बेटे का हमारी पार्टी में तहे दिल से स्वागत है। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती है, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती है। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप सबका खैर मकदम करता हूँ। सिलमपुर विधानसभा क्षेत्र में और ख़ास सिलमपुर के चौहान बागर वार्ड में मैं पहुँचा हुआ हूँ, जहाँ पर अब से 12 दिन पहले चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी ज़ुबैर अहमद और उनकी बहू शगुफ्ता ने ज्वाइन की थी आम आदमी पार्टी। उन्होंने कांग्रेस का हाथ अपने साथ छोड़ दिया। आज क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब यहाँ थोड़ी ही देर में आने वाले हैं, उनको लेकर के एक बड़ी कयास आराई भी शुरू हो गई है। उसकी एक वजह है कि अब तक अरविंद केजरीवाल के पास सभी लोग, यानी जिनको पार्टी में शामिल होना था या जिनको कभी भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता लेनी होती थी, हमेशा वो लोग या तो पार्टी ऑफिस, पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचते थे या फिर अरविंद केजरीवाल के रिहाइशगाह पर उनके घर पहुँचते थे। लेकिन आज एक मंच सज चुका है, ये बंडिंग झंडियाँ और आम आदमी पार्टी के तमाम बैनर्स पोस्टर्स लग चुके हैं और अरविंद केजरीवाल खुद चौधरी मतीन अहमद के घर उनको सदस्यता दिलाने, उनको पटका पहलाने और पार्टी में, आम आदमी पार्टी में शामिल करने पहुंच रहे हैं। इसके बहुत से सियासी मायने हैं, लेकिन पहले बेटे और बहू का आना और अब अरविंद केजरीवाल का चौधरी मतीन के घर पर जाना और उसके बाद फिर उनको पार्टी में लाना, शामिल कराना, ये कई तरह से सवाल उठाता है और दिल्ली में जो एक सियासत की गणित है उसको अलग अलग तरह से लोगों को समझने का, सोचने का मौका देता है। लेकिन एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। चौधरी मतीन क्या कहते हैं उसको लेकर के उनसे भी सवाल करूंगा। इतने कद्दावर नेता रहे कांग्रेस के और जिस कांग्रेस ने हमेशा उनको अपने साथ रखा, उनको चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड बनाया शीला दीक्षित की सरकार में, चौधरी मतीन लगातार 5 मरतबा जीते जब शीला जी की सरकार 3 मरतबा दिल्ली में वो राज कर रही थी, दिल्ली की सरकार वो चला रही थी, तब चौधरी मतीन सिलमपुर के इसी इलाके से चुने जाते थे और भारी बहुमतों से रिकॉर्ड बना करके कांग्रेस के निशान पर जीत कराते थे। बहरहाल अब ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से चौधरी मतीन ने कांग्रेस का साथ वो हाथ छोड़ दिया और उस हाथ में अपने अब ये झाड़ू पकड़ ली। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों की जो नुमाइंदगी की है वो चाहे उसमें शुएब इकबाल रहे हों, चौधरी मतीन अहमद रहे हों,
या और दूसरे लीडर्स, उन्होंने अब कांग्रेस का साथ छोड़ करके आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। इससे पहले हम ये भी देख चुके हैं कि मुस्तफ़ाबाद से MLA रहे हसन अहमद, उनके बेटे अली मेहदी काउंसलर्स के साथ में, जो काउंसलर्स कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए थे उनके साथ शामिल हुए थे, लेकिन सुबह शामिल हुए आम आदमी पार्टी में और शाम को वापस यू टर्न मार करके फिर से कांग्रेस में आ गए थे, जब जनता का उनको विरोध करना पड़ा था। लेकिन चौधरी ज़ुबैर और साथ में उनकी पत्नी शगुफ्ता ज़ुबैर, मजबूती के साथ उन्होंने ज्वाइन किया, तो चौधरी मतीन भी क्या मजबूती के साथ ही रहेंगे आम आदमी पार्टी में, और इससे क्या मजीद सीलमपुर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी, या फिर कि ये भी आगे अपनी शर्त और शराइत की बुनियाद पर यू टर्न मार जाएं। सीलमपुर विधानसभा ये एक दिल्ली की 70 विधानसभाओं में पहली विधानसभा है जहाँ से सही मायने में राजनीति का, यानी अब जो आने वाले आगामी चुनाव हैं 2025 के दिल्ली विधानसभा के, उसकी एक शुरुआत, एक बिगुल अगर बजाने का काम किया तो वो इस सीलमपुर विधानसभा सीट से शुरू हुआ है। मेरे साथ इस वक्त अपने समर्थकों के साथ में चौधरी मतीन अहमद हैं, आपका हिंदुस्तान लाइव पर मैं खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया आप चौधरी साहब, कल तक आपका हाथ कांग्रेस के साथ और आज जो है उस हाथ में झाड़ू आ गई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी पार्टी खुशी में नहीं छोड़ता, कई बार हालात बनते हैं उस वजह से पार्टी छोड़नी पड़ती है। ज़ुबैर ने 12 दिन पहले या शगुफ्ता ने पार्टी ज्वाइन कर ली थी आम आदमी पार्टी, मैंने तब भी कहा था मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूँगा, मैं आम आदमी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस के किसी भी आदमी ने इन 12 दिन में फ़ोन तक पर बात नहीं की, तो मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत उनको नहीं है। हम पॉलिटिकल आदमी घर में तो बैठ नहीं सकते, कहीं ना कहीं तो जाना ही था, तो इसलिए आम आदमी पार्टी आज हमने ज्वाइन कर ली। लेकिन आपको लगता नहीं है ऐसा कि पार्टी का शायद हो सकता है कि जो नेतृत्व है वो आपसे किसी चीज़ को लेकर नाराज हो, इसलिए शायद बात नहीं कर रहा हूँ? उन्हें बताना चाहिए था हमने गलती क्या करी है। हम तो 10 साल से बैठे हुए थे, चुनाव हारने के बाद भी बैठे थे, और उन लोगों में थे हम जो 3-4 लोग हैं जिनको 20,000 से ज़्यादा वोट मिली है उनमें हम थे, नहीं तो ज़्यादातर लोग 2,000, 3,000, 5,000 में सिमट गए थे, तो हम कमज़ोर कहाँ थे? हम तो आज भी कमज़ोर नहीं थे यहाँ पर, लेकिन पार्टी लीडरों ने उसकी परवाह नहीं की। लेकिन आपको लगता है कि चौधरी मतीन साहब, कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, एक लंबा आपका सफ़र रहा, 5 मरतबा आप MLA रहे, 10 साल आप कंटिन्यू उसी कांग्रेस पार्टी से शीला दीक्षित सरकार में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो कहीं ना कहीं कोई फरामोश तो करने वाली बात नहीं है? देखिए, कोई किसी को कुछ नहीं देता जब तक खुद कुछ ना है आप। अगर मैं MLA नहीं होता तो कोई मुझे दे देता? मैं कंटिन्यू MLA था, मैं जीत रहा था, बढ़िया वोटों से जीत रहा था, और पार्टी में था तो देना ही था। अगर मैं पार्टी में नहीं होता या MLA नहीं बनता तो मुझे कौन दे देता? अब आगे का क्या विचार रहेगा, जनता का क्या मूड रहेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बेटे और बहू की पहले ज्वाइनिंग के बाद, मुझे लगता है कि वो आपकी मर्जी के बगैर गए थे कि आपकी मर्जी से गए थे, पहले तो जनता को वो भी बताना चाहेंगे। नहीं, मुझसे पूछ कर गए थे, वो बिना मर्जी के नहीं गए थे, लेकिन मैं कांग्रेस में रहने का इरादा था मेरा, लेकिन फिर ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी उधर रहे एक आदमी उधर इधर रहे, घर तो पार्टियां नहीं हो सकती। आज इसको कैसे देखते हैं आप चौधरी मतीन, कि अभी तक जितने लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है या जितने लोग शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में, या तो वो अरविंद केजरीवाल के घर पर या उनके हेडक्वार्टर में जाकर के आम आदमी पार्टी हेडक्वार्टर में शामिल हुए, लेकिन आज पहली मरतबा ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में 70 विधानसभाओं में आप एक ऐसे नेता हैं, एक ऐसे लीडर हैं कि आपके घर खुद अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने आकर के ज्वाइन कराया है। जब ज़ुबैर ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी आपको भी पार्टी ज्वाइन करवाना चाहते हैं, तो मैंने ये कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। जब उसने कहाँ नहीं जाऊँगा? पार्टी ऑफिस आम आदमी पार्टी के। क्यों? मैं नहीं जाना चाहता था, तो ज़ुबैर ने उनसे बात कही तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वो नहीं आ रहे तो मैं उनके पास आ जाऊँगा, और वहाँ घर पर आके पार्टी ज्वाइन कर। मतलब ये एक शर्त थी, एक कंडीशन थी, ये एक कंडीशन थी कि आपकी तरफ से कि मैं पार्टी ऑफिस, आम आदमी पार्टी ऑफिस नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने आपके लिए कहा कि मैं खुद आ जाऊंगा। नहीं, ज्वाइन करने के लिए नहीं जाऊंगा, अब जब ज्वाइन कर ली तो अब तो जाऊंगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो शुरुआत होनी है मैंने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा। आप चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल आपके पास खुद आए जब भी आप ज्वाइन करेंगे, और अगर वो नहीं आते तो ज्वाइन नहीं किया जाता? नहीं, ये बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार शपथ हमने दिलवाई थी, उनके पूरे मंत्रिमंडल को शपथ हमने दिलवाई थी, और हमसे सीनियर उनकी पार्टी में कोई है नहीं,
बिल्कुल, तीन बार से ज्यादा जीता हुआ कोई है नहीं, 5 बार के जीते हैं, 7 चुनाव हमने लड़े हैं। तो ऊपर वाले की मेहरबानी से, सीलमपुर की जनता की मेहरबानी से हम कोई मतलब कमजोर नहीं थे, लेकिन इलाके में काम करवाने, उनकी सरकार है तो इलाके में काम करवाने के लिए ये जरूरी था कि सरकार में हम साथ रहें। अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि चौधरी मतीन अहमद को मैंने उस वक्त में भी देखा है, इस वक्त में आम आदमी पार्टी की 27 सीट आई थी और सीनियोरिटी की बेस पर चौधरी मतीन को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर भी बनाया गया था, मैंने वो भी वक्त कवर किया था। लेकिन चौधरी साहब, एक सवाल ज़रूर बनता है, जनता जो ये हमेशा कहती थी कि चौधरी साहब कांग्रेस के साथ, हम चौधरी साहब के साथ, आज जो सीलमपुर की जनता है, आप अगर गए हैं आम आदमी पार्टी में तो क्या लगता है कि सारी जनता आपके साथ उसी में वोट करेगी? देखो, सारी जनता कभी किसी के साथ नहीं होती, सारी जनता किसी के साथ नहीं हो सकती, ये तो सारी जनता अल्लाह मियाँ के साथ नहीं है, मेरे साथ कहाँ से हो जाएगी। लेकिन जब मेरे जो साथी हैं, जो मेरे मिलने वाले हैं, आज यहाँ हजारों की तादाद में थे, वो गलियाँ भरी पड़ी थी, वो तमाशा देखने नहीं आए थे, वो मैं पार्टी ज्वाइन कर रहा था इसीलिए वो आए थे। यहाँ के जो मौजूदा आम आदमी पार्टी के MLA हैं अब्दुल रहमान, आज वो पूरे फंक्शन में आपके यहाँ दफ्तर का जो उद्घाटन था उसमें भी, या खुद CM के आने से लेकर के वो नदारत दिखाई दिए, तो क्या उनको बुलावा नहीं था या क्या था? नहीं, ये तो देखो, उनके पार्टी के लीडर आए थे, एक्स चीफ मिनिस्टर आए थे, हेड है वो पार्टी के, तो उन्हें आना चाहिए था, उनके MLA हैं वो, अब वो क्यों नहीं आए, या उनकी पार्टी को उन्हें बुलाना चाहिए था, मुझे नहीं पता उन्हें बुलाया या नहीं बुलाया। चलिए बस आखिरी सवाल लूँगा, चौधरी मतीन की अपनी पर्सनल विचारधारा जो कि एक पक्के कांग्रेस की, या कहूँ कि कट्टर कांग्रेसी विचारधारा, वो अब बदल कर क्या आम आदमी पार्टी की विचारधारा में क्या हम समझें कि इसका कोरिलेशन हो गया? देखिए, कोई विचारधारा नहीं, लोगों की सेवा करनी है, लोगों की मदद करनी है, इलाके में डेवलपमेंट करना, काम करना है, जहाँ काम होगा, जिसकी वजह से काम होगा, जो पार्टी काम करने लायक होगी, आज हम तो इसलिए इलाके के फायदे के लिए काम। कल तक मुस्लिम मुखालिफ, आज मुस्लिम हिमायत कैसा हुआ? देखिए, जब हम कांग्रेस में थे तो ये कहते थे मुरादाबाद में दंगे करवा दिए, मुगल सराय में दंगे करवा दिए, हर जगह दंगे बता रहे थे, हमने उसे छोड़ दिया तो अभी दंगा ही बताने लगे। हम किसी मुस्लिम लीग में चले जाएंगे तो उन्हें कहेंगे वोट कटवा पार्टी है, जिन्हें बोलना है उन्हें तो बोलना है। बताते तो आप भी थे क्या कि कुछ दंगाइयों को लेकर के, कोरोना को लेकर के, मरकज को लेकर के, साथ साथ को लेकर के? देखो, जिस पार्टी में जो होता है उसकी बात तो करनी पड़ती है, उसमें क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मतीन अहमद, और इलाके के अवाम पूरी तरीके से चौधरी मतीन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। चौधरी मतीन ने तमाम सवालों का जवाब बखूबी अपने ही अंदाज में दिया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, सबकी अपनी सोच होती है, जिसमें चाहे व्यक्तिगत सोच हो या फिर वो जो इज्तिमाई तौर पर जो अपने अपने आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ होती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अब पार्टी में मैं उनके शामिल हो गया, कांग्रेस का हाथ जो चौधरी मतीन के साथ था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इनसे या फिर इनके बेटे और बहू के आम आदमी पार्टी पर जाने के बाद से कोई बात नहीं की थी, और 12 दिन तक इन्होंने इंतज़ार किया, लेकिन शायद उसके बाद फिर ये हुआ। ये राजनीति है, ये सियासत है, इसके मायने आप जैसे निकालें वैसे बेहतर समझते और जानते होंगे। आप लोग हमारे साथ सीलमपुर इलाके से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरानिया या YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। Facebook पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बस जाते जाते इतना ही कहूँगा कि अब इनकी तरफ से आगाज़ है ये, फिर आगे देखिए कि अंजाम होता है क्या। थैंक यू फॉर नाउ।